नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2021 वॉक्सवैगन पोलो के फेसलिफ्ट वर्जन के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दिग्गज जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी वॉक्सवैगन ने अपनी सबसे लोकप्रिय हैचबैक कार 2021 पोलो के फेसलिफ्ट वर्जन को पेश कर दिया है। नई पोलो के 22 अप्रैल को होने वाले ग्लोबल प्रीमियर से पहले ही कार की अहम जानकारियां लीक हो गई थी, जिसके कारण कंपनी ने कार के प्रीमियर के तय कार्यक्रम से पहले ही इसे पेश कर दिया। छठी पीढ़ी की वॉक्सवैगन पोलो को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए एक नए अवतार में पेश किया गया है। नई फेसलिफ्ट पोलो में नया स्टाइल, ज्यादा और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। 2021 पोलो फेसलिफ्ट को विदेशों में बेची जाने वाली अन्य वॉक्सवैगन हैचबैक गोल्फ और ID3 के डिजाइन के हिसाब से रीडिजाइन किया गया है। कार में स्टाइल की अगर बात करें तो इसमें हुए बदलावों में इसमें नई LED लाइट स्ट्रिप शामिल है, नई LED हेडलाइट्स, नए फ्रंट और रियर बम्पर और रीडिजाइन किए गए टेल गेट को आपस में जोड़ दी है। कार में अब वॉक्सवैगन बेज और LED टेल लाइट के नीचे पोलो लिखा हुआ मिलता है। पोलो में पहली बार मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के साथ फ्रंट LED लाइट्स भी दी गई हैं, जिसे IQ लाइट का नाम दिया गया है। हालांकि कार का व्हील बेस पहले जितना ही है, लेकिन एक बम्पर की वजह से यह फेसलिफ्टेड वर्जन पहले से थोड़ा लंबा है। नई अपडेटेड पोलो 2021 के इंटीरियर और केबिन की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड रूप से 6.5 टच स्क्रीन के साथ वॉक्सवैगन का लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है। यह सिस्टम सभी लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस को सपोर्ट करता है। कार में एक बड़े 9.2 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी विकल्प मिलता है, जबकि कार के सेंटर कंसोल के ठीक नीचे दिया गया स्लाइडर टेम्परेचर कंट्रोल को गोल्फ मॉडल से लिया गया है। इसमें 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है, साथ ही इसमें एक नया डिजाइन का मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर की बात करें तो पोलो में अब लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस फीचर को कंपनी ने ट्रेवल असिस्ट का नाम दिया है। इस फीचर को पहली बार कंपनी की पैसेट कार में देखा गया था। इसमें एडेक्वेट क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्टेंट जैसे फीचर भी मिलते हैं। से कार 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंशिक रूप से ऑटोनोमस ड्राइविंग करने में सक्षम है, यानी कार को बिना ड्राइविंग की मदद से चलाया जा सकेगा। भारत में नई पोलो 2021 में पिछले मॉडल वाला इंजन ही दिया गया है, जिसमें 1 लीटर 3 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन है जो 80 PS का पावर और 95 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और दूसरा है 1 लीटर TSI टर्बो इंजन जो 95 PS से 110 PS का पावर और 175 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन के साथ एक मैनुअल और एक 7-स्पीड ड्यूल क्लच DSG गियरबॉक्स भी मिलता है। इसके अलावा कंपनी नई पोलो को CNG के साथ भी उपलब्ध कराने की कोशिश में है। इसमें 1 लीटर TGI इंजन मिलता है जो 90 HP का पावर जनरेट करता है। पोलो 2021 की लंबाई 4053 mm, चौड़ाई 1751 mm और ऊंचाई 1446 mm है। नई पोलो हैचबैक का व्हील बेस 2564 mm का है। कार में अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिन्हें नई डिजाइन के साथ अपडेट भी किया गया है, और अब यह 15 से 17 इंच तक के विकल्पों में पेश किए गए हैं। अगर इसे कीमत की बात करें तो दोस्तों नई पोलो 2021 फेसलिफ्ट मॉडल की जुपिटर पल्सा कार की लॉन्चिंग के साथ ही किया जाएगा। हालांकि भारत में पोलो के मौजूदा मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 6.01 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरियंट की कीमत 9,92,000 रुपए तक जाती है। नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ लॉन्च की जा रही नई पोलो की कीमत में कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों अगर इसके लॉन्चिंग की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कार निर्माता ने संकेत दिया था कि भारत में न्यू जनरेशन पोलो की लॉन्चिंग कुछ समय बाद होगी। कंपनी इस समय भारत में तेजी से बढ़ रहे SUV सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ने हाल ही में नई टाइगून और टाइगून फेसलिफ्ट को प्रदर्शित भी किया था, जिसे एक साल में लॉन्च किया जाएगा। देश में वॉक्सवैगन टाइगून, ऑल स्पेस और टी रॉक पहले से ही उपलब्ध है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।